तो मेरी एक इमोशनल साइड भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ और खुशी के पीछे दुख भी छुपा रहता है। हमेशा हंसते मुस्कुराते लड़की हमेशा खुश नहीं रहती, उनके पीछे दुख भी छुपा रहता है। तो ये हेलो गाइस, आज की व्लॉग हमारे चटंगू भतीजा के साथ करते। ये देखो कितना प्यारा से मुस्कुरा रहा है, मुझे देखता है फिर अपना फेस मोबाइल पे देख के यूँ मुस्कुराने लग जाता है ना, बहुत प्यारा स्माइल लगता है मुझे इनका। तो देखो बारिश भी हो रही है इधर और हम जाने वाले हैं डी मार्ट। तो आज आप सबको डी मार्ट में क्या क्या शॉपिंग करेंगे ये सब दिखाने वाले हैं। ज़्यादा ठंडी लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, आप सबको दिखाती हूँ। हमारा बाबू, ये देखो ये भी तैयार हो गया, ये भी स्वेटर पहन के तैयार हो गया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और देखो ठंडी के दिन में बरसात, ये देखो बारिश हो रही है। तो ये बारिश पिछले एक घंटे से हो रही है जो अभी तक नहीं रुकी है, तो आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए तो यहाँ बारिश हो रही है। आ जाओ बेटा इधर, इधर आ जाओ। तो हम बैठ गए हैं कार पे और हम कहाँ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं डी मार्ट शॉपिंग करने। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं डी मार्ट में, क्योंकि हम कल घर जा रहे हैं। तो कल घर जाएंगे, उससे पहले हम शॉपिंग कर लेना चाहते हैं। इधर मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और मेला वाले लोग मेला देख देख कर आ रहे हैं सब, और बारिश में आना पड़ रहा है इन लोग को, और पता नहीं इन लोग को मज़ा ही नहीं आया होगा क्योंकि बारिश हुई है। देखिए अभी ना शाम का 4 बजा है और ऐसा लग रहा है कि एकदम रात ही होने वाली है। तो ये देखिए हमारा बाबू जैसी कार पे बैठा एकदम एक टक देखने लग गया, और ये जब एक टक देखने लग जाता है इसका मतलब है इनको बहुत गहरी नींद आ रही है और कुछ ही देर में सो जाएगा। तो हमारा बाबू ऐसा है कि ना उसको इतना नींद आती रहती, मैं इसके साथ बात करी फिर भी ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये देखना, ये देखिए सो ही गया मेरी गोद पे ना, ये सो गया। और हम जैसे डी मार्ट पहुँचे और इसे हम उठाना नहीं चाहते थे क्योंकि इसे अभी सोए हुए 5-10 मिनट ही हुआ है, तो हम इसे उठाना नहीं चाहते। देखो कैसा मस्त प्यारा लग रहा है हमारा बाबू सोते हुए। तो बच्चे को सोते हुए कभी नहीं उठाना चाहिए गाइस, तो हम नहीं उठाएंगे। टमाटर यहाँ अभी पानी गिर ही रहा है, थमा नहीं है, ये देख सकते हो। और बर्फ ही गई है, ऐसी लग रहा है मुझे नींद आ गई है। ऐसे स्वेटर तो पहन के आई ना, इधर नींद सी आ गई। बाबू तो सो ही गया है, देखो आओ ना पकड़ो इसे बाबू को। सो गया है डॉक्टर भैया, देखिए इस प्रकार से सोया हुआ है डॉक्टर भैया। ये आओ मैं पाऊँ। तो देखिए हम हमारे बाबू को उठाए नहीं क्योंकि सोते हुए बच्चे को कभी नहीं उठाना चाहिए, तो हमने नहीं उठाया, उसे सोने देते हैं आधा घंटा। तो मैं पा ली हूँ बाबू को और ना मेरे हस्बैंड सामान देख रहे हैं हमें लेना है ये सब, तो वही सब देख रहे हैं मेरे हस्बैंड। और मैं बाबू को पाई हुई हूँ और मोबाइल भी पकड़ी हूँ, तो ना दोनों एक साथ मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे थोड़ा सा छोटा सा क्लिप दिखा ली। तो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं इंडक्शन यहाँ पे, क्योंकि इंडक्शन बहुत काम का चीज है, तो इसीलिए इंडक्शन खरीदा जा रहा है। और ना जैसे कि मैं केक बनाती हूँ तो हमारा मेल्ट करने का काम आएगा, चॉकलेट मेल्ट करने का भी काम आएगा, खाना भी बनाने का काम आएगा, तो इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड खरीद रहे हैं इंडक्शन। उसके बाद इंडक्शन तो हमारे हस्बैंड ख़रीद लिए हैं, उसके बाद हमें एक मिक्सर भी चाहिए रहता है। तो देखिए मिक्सी भी हमारे हस्बैंड ख़रीद रहे, देख रहे कौन सा कंपनी का ख़रीदे। हमारे पास एक है हमारे पास बजाज कंपनी का, तो हम वो कंपनी हमारे पास है तो हम इस बार ना दूसरे कंपनी का देखना चाहते हैं लेकर। तो वही मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, इस बार देखते हैं कौन से कंपनी का ख़रीदते हैं। तो मैंने यहाँ डी मार्ट पर ख़रीदा है बहुत सारी सामान और मेरे हस्बैंड खरीद
लेते हैं मिक्सी और जो आप सब पहले देखे थे, क्या बोलते, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, इंडक्शन, इंडक्शन फाइनली याद आ गया। तो ना डीमार्ट आकर बहुत मज़ा आया। हमारा बाबू अभी सोया हुआ है, लेकिन एंड पे देखना वो उठ जाता है और बहुत अच्छे से खेलने लग जाता है, एकदम खुश हो जाता है। पहले तो वो उठता है तो एकदम ऐसे ना शौक हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ अचानक से, मैं तो कार पे बैठा था और ये कहाँ आ गया हूँ, सोचने लग जाता है कुछ देर तक। और हमारे बाबू हमारे साथ रह लेता है, रोता वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने फूफा के साथ एकदम रह लेता है, बिल्कुल नहीं रहता, कई घंटा तक रह लेता है। देखिए हम आए हैं अभी 4 बजे, हमारा बाबू अभी उठ गया है, तो ये देखिए अभी एकदम शौक है वो, मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको कुछ वो नहीं लग रहा है, एकदम सो कर उठा है, मासूम सा हमारा बच्चा लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद देखना खेलने लग जाएगा, इसके लिए हम ना चप्पल जूता देख रहे हैं। तो ये देखिए अभी ना खेलने लग गया, खिलौना देखा डीमार्ट पे तो बहुत अच्छे से खेलने लग गया। तो ना हमारा बाबू हमारे साथ रह लेता है, पता है हम लोग गए थे 4 बजे और घर गए हम लोग 8 बजे, तो 4, 5, 6, 7, 8 4-5 घंटा तक बाबू हमारे साथ रह लिया, अपनी माँ को भी मिस नहीं किया। हाँ हमने वीडियो कॉल से ना बाबू के लिए जूता खरीद रहे थे तो वीडियो कॉल किए थे, तो अपनी मम्मी को देखा ना तो थोड़ा सा उसको हल्का सा वो लगा, फिर फ़ोन कट हुआ ना, मैं बोली जानकी को देख रहे हैं, अपनी माँ को तो रोने लग गया है, तो फिर वो नहीं देखी, तो फिर ना एक फ़ोन कट हुआ तो चुप भी हो गया हमारा बच्चा। तो अपने फूफा के साथ बहुत अच्छे से रह लेता है, पहली बच्चा है। इससे पहले ना डिम्पी रह लेती थी हमारे साथ, तो डिम्पी भी हमारे साथ आती जाती थी, अब डिम्पी अब नहीं है यहाँ, वो मनेंद्रगढ़ पे रहती है। तो हमारे साथ अब बाबू आने जाने लग गया, अब हम कहीं भी जाते हैं तो हम दो नहीं जाते हैं, हमारे बच्चा लेकर जाते हैं हम। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना मेरे को पापा वाली फीलिंग आ जाते हैं जब बाबू मेरे साथ रहता है, तो ऐसा करके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग जब हमारे साथ होते हैं। और ये देखिए इस तरह से मेरे बच्चे ना खिलौने इसको खेल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड वहाँ काउंटर पे ना बिल पे कर रहे हैं, और देखना बाबू उसके पास लेके जाता है, एक येलो वाला कार्ड रहता है उसको दिखाने ले चलता है अपने फूफा को। तो ये देखिए दिखा रहे हैं, उसके कपड़े के साथ ना बिल्कुल मैचिंग हो जाता है। और यहाँ पर मैं अभी खाना बना रही, वीडियो भी एडिट कर रही, साथ में खाना में उबाल आ गया था तो मैं आई थी गैस को कम करने। तो चलिए ये देखिए हमारे हस्बैंड यहाँ पे बिल पे कर ही रहे हैं, और बहुत सारी सामान है जिसे मैं घर चल कर दिखाऊँगी, अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, हमें सजेशन ज़रूर करिएगा, हमारी वीडियो में क्या कमी रहती है ये भी बताइएगा, ताकि हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। और आप सब हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ ना इलेक्ट्रिक चीज़ें सामान खरीदते हैं ना, तो डीमार्ट के बाहर यहाँ चेक करके दिखाया जाता है, तो वही इंडक्शन को और ना मिक्सी को चेक करके दिखा रहे हैं। तभी मेरे बाबू यहाँ खाने को देखता है, फिर यहाँ ना हम पॉपकॉर्न खरीदने आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाबू को पॉपकॉर्न खाना रहता है और बड़े प्यार से खाता है, देखना ना, और इसको इतना भूख लगा रहता है कि बहुत सारा खा लेता है। ये देखो अकेले बैठ के खा रहा है गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, और ये हमारा मसाले वाला पॉपकॉर्न है, इसे भी खा ले रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये मसाले वाला पॉपकॉर्न, और इसको बहुत भूख लगी थी, शायद ये 4 बजे से आया था, और अभी बज गए हैं 8, और 8 बजे हम ना बाहर निकले हैं। तो भी ये देखिए बाहर में बारिश हो ही रही है, और बारिश ना एकदम ज़्यादा भी नहीं हो रही थी और एकदम कम भी नहीं हो रही थी, मीडियम हो रही थी। पर बाबू कितना प्यार से खा रहा है, चलो घर चलेंगे, चलो घर उठो, पकड़ के उठो, घर चलेंगे, चलो उठो, हाँ चलो फूफा को दोगे खाने, खाओगे बैठ के, खा लो फिर ठंडा, यहाँ बैठो ना, वहीं रहने दो, चलो घर में खाना, चलो घर में खाना बोल रहे हैं, घर में खाना बैठो। हम घर आते हैं तो हमारे घर में आ जा रहा था दो और बच्चे, शिवम और पुरु, तो ये दोनों को मैं केक निकाल कर देती हूँ, ये वही केक है जिसे मैंने बना कर लाई थी, और लाते लाते पूरी मेल्ट हो गई थी, तो हमारे बच्चे इतना बड़ा बड़ा फीस खा रहे हैं, ये देखिए। तो ना इनको ना क्रीम क्रीम बस खाना रहता है, इसे ब्रेड नहीं खाना रहता, तो ये जितना ब्रेड के ऊपर क्रीम लगा ना सबको सपा चट कर देगा, और क्रीम को ना ये खा लेगा और ब्रेड को छोड़ देंगे, तो इन लोग ऐसे ही करते हैं, इसीलिए इन लोग के लिए ना मैं मोटा लेयर्स क्रीम का डाली थी। तो इस तरह
दिन लोग ना क्रीम क्रीम को खाते हैं। और उसी दिन ना मैं सुबह, जैसे कि हम लोग शाम को गए थे डी मार्ट, तो मैं ना सुबह साईं बाबा की दर्शन करने गई थी, क्योंकि मैं जब भी रायपुर आती हूँ मैं साईं बाबा से मिलने ज़रूर जाती हूँ, उससे प्रार्थना करने ज़रूर जाती हूँ। और मुझे ना साईं बाबा की मंदिर जाकर इतना सुकून आता है, इतना सुकून आता है, मैं क्या बताऊँ। साईं बाबा मेरे लिए सब कुछ है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है जो जो मैं उनसे मांगी हूँ, और वो हर पल हर क्षण मेरी रक्षा करते हैं और ऐसी हमेशा रक्षा करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं उस दिन बहुत इमोशनल हो गई थी किसी चीज़ को लेकर, आप सबको बताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इमोशनल साइड आप सबको नहीं दिखाती हूँ, आप सबसे शेयर नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, लेकिन मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और इसीलिए मैं साईं बाबा से मिलने भी गई थी, उनसे कुछ क्वेश्चन करने गई थी और उनसे कुछ पूछना भी था मुझे, और ना मुझे उनसे मिलना भी था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे मैं आप सबसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी एक इमोशनल साइड भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ और खुशी के पीछे दुख भी छुपा रहता है, हमेशा हंसते मुस्कुराते लड़की हमेशा खुश नहीं रहती, उनके पीछे दुख भी छुपा रहता है। तो ये मैं कभी और शेयर करूँगी, अभी तो आप सबसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये है कि हाँ मैं बाबा से ना कुछ बोलने गई थी और देखते हैं बाबा हमारी सुनते हैं कि नहीं। वैसे मुझे पूरा यकीन है, जब भी मैं बाबा से मंगी हूँ, जो भी मंगी हूँ उन्होंने मुझे दिया है और आगे भी मुझे देते रहेंगे, मुझे उन पर पूरा 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 भरोसा है। तो आप भी बोलो ओम साईं राम, और साईं जी पर एक बार भरोसा करके देखिए, बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा जी, सबकी मुराद पूरी करते हैं। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि ना हमारी स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है यार, मैं क्या बताऊँ अब आप सब। चलो ठीक है, और कभी बातें करते हैं। तो अब ना कमेंट पढ़ने की बारी है, तो चलिए कमेंट पढ़ते हैं। तो ना शहबाज अली जी का मेरे पास 3 कमेंट आता है, ये पाकिस्तान से, आप सबको बताना चाहती हूँ। और ये मेरे न्यू सब्सक्राइबर है और ये मुझे ना हर एक वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे इनका कमेंट अच्छा लगता है। तो इन्होंने बोला है प्लीज़ टेल अस लव स्टोरी, आप अपनी लव स्टोरी बताइए। तो इन्होंने 3 बार से यही वाला क्वेश्चन किया, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं अपना लव स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी, लेकिन मैं एक टारगेट क्यों कि अच्छा मेरा सब्सक्राइबर 1,00,000 हो जाए ना, तो मैं लव स्टोरी लेकर आऊँगी। क्या है अभी मेरे वीडियोस पे अच्छे खासे व्यू नहीं आते हैं, और मैं लव स्टोरी ना तब सुनाना चाहती हूँ जब मेरे ऑडियंस बढ़ जाए और अच्छे खासे व्यू मिले। तो हाँ मेरी लव स्टोरी के लिए थोड़ी टाइम है ना। समीर जी कमेंट करते हैं दीदी जीजू कैसे हैं, उसके बाद इनका अगला कमेंट है। हाँ मैं बता देना चाहती हूँ जीजू बहुत अच्छे हैं। ये लिखते हैं दीदी मुझे आपके तरफ से एक छोटा सा खिलौना चाहिए, क्योंकि ये मेला वाला व्लॉग है, तो उन्होंने मैंने खिलौना दिखाई तो उन्होंने ये कमेंट किया। फिर लिखते हैं सोनी कनौजिया जी सो नाइस व्लॉग, तो थैंक यू। और ये सब कमेंट पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, आप सब ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अगला कमेंट आपका हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना छोड़े, कमेंट करते रहिए। और हाँ मैं ज़रूर लव स्टोरी बताऊँगी अपना व्लॉग पे, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, अच्छा सा व्यू आने तो फिर मैं बताती हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वाचिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, और उनको भी थैंक यू। बाय बाय गाइस।